got some sun, baby, it's time to go. चोकोलावा केक के लिए ये सभी सामान मैंने मेजरमेंट करके निकाल लिए है। मैं आपको सबका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये सबसे पहले मैंने डबल बॉयलर करा है, नीचे एक बर्तन रखा है, उसमें गर्म पानी डाल लिया है, आँच को मीडियम रखा है और उसके ऊपर ये कांच का बाउल। और मैंने ये एक चॉकलेट की स्लिप ली है जो 125 ग्राम की होती है और ये 100 ग्राम बटर, इसको हम मेल्ट करेंगे। अब हम मैदे को छान लेंगे। ये एक कप मैदा लिया है मैंने, इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 टीस्पून और ये कोको पाउडर है ये 3 चम्मच लिए हैं मैंने बड़े टेबलस्पून और अच्छे से छान लिया है सबको। ये देखिए हमारी चॉकलेट और बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने जो मिक्सर छाना था अपना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं मेल्ट 10 सेकेंड के लिए। मैं देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एक ही वक्त हम सारा डाल देंगे तो उसमें गांठे पड़ जाएंगे। ये कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, आधा कप लिया है मैंने। यदि आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह जितना आपने एक मैदा लिया है, जैसे एक कप मैदा लिया है, तो एक ही कप हम शुगर ले लेंगे पीस कर। अब ये वेनिला एसेंस डाला है 1 टीस्पून और अब दूध से हम इसका बैटर बनाएंगे। दूध बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, हल्का सा नवाया ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये मेरा आधा कप इसमें दूध गया है। ये देखिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, हमें इतना दूध मिक्स करना है। मेरा आधा कप हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये मैदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैदा आपका नया है या पुराना है। ये मैंने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, पहले बटर लगा कर फिर मैदा डस्ट करा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बैटर डालूँगी और ये कंपाउंड चॉकलेट का पीस इसमें हम रखेंगे। ये देखिए अब फिर इसको हम थोड़ा बैटर से कवर करेंगे। पूरा नहीं भरना हमें। अब मैंने अपने माइक्रोवेव को प्री हीट किया हुआ है 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। ओटीजी में भी बनाते हैं तो वो भी इसी तरीके से करना है और सिर्फ हम 10 से 12 मिनट ही इसे बनाएंगे। 10 से 12 मिनट में पूरा बन जाएगा। ये देखिए इजीली निकल गया है, हमने ग्रीस किया था इसलिए। अब देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर से लावा दिख रहा है इसमें। ये देखिए ये अभी बहुत गर्म है। ये देखिए जो हमने चॉकलेट पीस डाला था उसके, ये देखिए तैयार है चोकोलावा केक। घर में इजी बन जाता है और 10 से 12 मिनट में ये बन गया है।